गणतंत्र दिवस को देखते हुए जीआरपी और आरपीएफ ने लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर बढ़ाई अपनी सुरक्षा। मुंबई टीवी हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। आप सभी जानते हैं 26 जनवरी इस दिन जो है सभी लोग रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं, और ऐसे में मुंबई में हर साल धमकी भरे कॉल आते हैं और ऐसे में सुरक्षा लेवल पर काफ़ी ज़्यादा जो है कड़ी बंदोबस्त की जाती है। अब ऐसे में हम आपको बता दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहाँ जहाँ होते हैं वहाँ वहाँ जो है अक्सर पेट्रोलिंग और बंदोबस्त बढ़ा दी जाती है। अब ऐसे में देखा जाए तो लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर यात्री आते जाते और काफ़ी भीड़ भाड़ वाला परिसर है, और इसको देखते हुए केशव राणे जो कि आरपीएफ के सीनियर इंस्पेक्टर है, उन्होंने तमाम तरीके की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और साथ ही साथ जो है काफ़ी ज़्यादा बंदोबस्त को पूरी गणतंत्र दिवस को देखते हुए जो है रूटीन मार्च में लगा दिया है। अब इसको देखते हुए क्या कुछ जानकारी उन्होंने कहा है वो हम आपको सुनाते हैं, और साथ ही साथ गणतंत्र दिवस के मौके पर इसी तरीके से मुंबई के चप्पे चप्पे पर सभी जीआरपी हो, आरपीएफ हो या पुलिस हो, सभी लोग जो है अपनी कार्रवाई को बढ़ाते हुए अब मुंबई को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो रिपब्लिक डे, इसके लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं। रेग मार्च चल रहा है, ये कंटिन्यू चालू है, मतलब ये कितने लोग इसमें इस समय है हमारे 40 आरपी और जीआरपी रेग मार्च किया, तो उसमें कुछ मिल पाया है क्या? हाँ, इससे लोग जो संदिग्ध हैं उनमें भय बनेगा, जिससे कि सुरक्षित यात्रा कराई जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख वीर हाजिर हुआ एक नई न्यूज़ के साथ।